दोस्तों आप सबको स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटेसी दुनिया में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोत्सवाना ओमेन वर्सेस केनिया ओमन्स के बीच जो खेला जाएगा क्वीबुक का ओमन्स टी ट्वेंटी आई का मैच गाइस दोनों टीम ना अपना जो लास्ट सीरीज़ खेला था वो गाइस एक दूसरे के बीच में खेला था मतलब हेड टू हेड हुआ था लास्ट सीरीज में मैं उसका रिकॉर्ड आपको बताऊँगा डिटेल्स में साथ ही साथ फ़िलहाल जो बोत्सवाना का हाल है वो फोर्टी रैंकिंग है आई सी में और केनिया का है ट्वेंटी टू रैंकिंग तो आप सोच रहे हो ये भी एक वन साइडेड मैच होगा तो इस वीडियो में हमको क्या मिलेगा बोथसो आना जो एक मैच खेल के आ रहा है एक मैच से आपको एक टीम क्रिएट नहीं कर पाओगे तो इनके भी कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था आपको उनको लेना जरूर से पड़ेगा इस मैच में भी उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा साथ ही साथ आपको मिलेगा केनिया जो फर्स्ट टाइम खेलेगा इनका डेप्थ एनालिस और हाँ इनके जो मेन प्लेयर्स है की प्लेयर्स है उनका एनालिसिस और प्रोबेबल बैटिंग ऑर्डर फिर हम लोग देखेंगे लास्ट जो हेड टू हेड हुआ था उसमें क्या कुछ रहा था प्लेयर्स के परफॉर्मेंस हाइस्ट रन गेटर हाएस्ट विकेट टेकर फिर कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस तो मेक श्योर sure करना वीडियो अंत तक देखो और हाँ पूरा देखना ध्यान से एंड कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा एनालिसिस सेक्शन में तो पूरा वीडियो अंत तक देखना पसंद आए तो एक लाइक कर देना अगर आप लोग चैनल में न्यू हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करते हो ना नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि आपको फ्यूचर के जितने भी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मैचेस होते सभी के अपडेट्स मिल पाए तो जरूर से आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेना एंड गाइस ये जो मैच होगा कहाँ पे होगा मैं मैं ना मैच में आता हूँगा गाइस सीधा सीधी मैं ट्राई करूंगा आपके लिए मिनिमम टाइम लेके शॉर्ट वीडियो बनाने का बट स्टिल वीडियो बड़ा होगा बिकॉज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा ठीक है वेन्यू होगा कहाँ पे गांगा क्रिकेट ग्राउंड पे जहाँ रवांडा का होम ग्राउंड है तो रवांडा ने फर्स्ट मैच में क्या किया था बोत्सवाना को गंदा हराया मतलब गंदे तरीके से हरा दिया था और केनिया वुमेन लास्ट जो सीरीज था उसमें वन मैच इन्होंने जीता चार मैच इन्होंने जीता सात मैच का सीरीज था दो वॉश आउट हुआ था बारिश के कारण यहां से भी लग रहा है इस मैच में भी केनिया वुमेन विन करने वाले है नो no डाउट बट बोत्सवाना वुमेन से भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो फर्स्ट मैच में भी पार्ट किया था अच्छा खेला था और आई थिंक इस बार बोत्सवाना वुमेन बहुत बेटर परफॉर्मेंस देगा एंड ये मैच जो होगा ये थर्टी सेवेंटी केनिया वुमेन के फेवर में स्टिल मैं बताऊंगा बट थर्टी परसेंट चांस इनका भी है विन करने का एंड ये उतना ज़्यादा वन साइडेड नहीं होगा जो फर्स्ट हुआ था क्यों आपको मालूम चल जाएगा अगर आप वीडियो देखोगे एवरेज स्कोर अस्सी के करीब बनेगा मुझे इवन लगता है कि दोनों टीम अगर बैटिंग करेगा ना अस्सी से नब्बे रन ही बनेगा बिकॉज रन यहाँ पे बनाना सीरियसली मुश्किल हो रहा है सेकेंड मैच जो था उसमें भी एक लो स्कोर चेस करते हुए दो विकेट लॉस किया था एक स्ट्रॉन्ग टीम ने तो मुझे ये मतलब ये ये मतलब हम लोग होकर बोल सकते हैं भी बहुत ज़्यादा बॉलिंग फ्रेंडली ही बिहेव कर रहा है टाइम इंडियन टाइम एक बजे से मैच स्टार्ट होगा बट मैं आपको ट्राई करूंगा एक बजने का पंद्रह मिनट आगे तक जितने भी अपडेट्स होते हैं एंड लास्ट मैच में प्लेइंग इलेवन अपडेट भी आपको मिल गया था मैंने आपको टेलीग्राम पे बता दिया था प्लेइंग इलेवन अपडेट विथ इनका प्रोबेबल जो मेन बॉल बैटिंग लाइनअप है ना ऑफिशियल स्क्वाड सॉरी ऑफिशियल प्लेइंग लेवन से आपको बैटिंग लाइनअप भी मिल गया था तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दिया था तो इसलिए टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन हो जाना जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ठीक है ठीके? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर जाओगे तो एक सिंपल ब्लू कलर का आपको लिंक मिलेगा ठीक है कैसा ब्लू कलर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्रेस करके आप रिडाइरेक्ट हो जाओगे टेलीग्राम पर तो टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जरूर से ज्वाइन हो जाना अगर लिंक चांस है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना वो काम करने का स्टिल अगर काम नहीं किया तो आप एट जो यूजर नेम है सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हो सिंपली टेलीग्राम पर जाकर राइट साइड में सर्च ऑप्शन रहता है एट टीम एफडीएफ सर्च करना जहाँ पे आपको गाइस चौदह हज़ार सात सौ के ऊपर फैंटेसी दुनिया फैमिली मेंबर्स मिलेंगे उस पर आपको ज्वाइन होना होगा कहाँ पे टेलीग्राम पे ठीक है तो मैं चलता हूँ गाइस सबसे पहले यहाँ पे पोचुआना वोन के ऊपर बिकॉज इन्होंने एक मैच खेला गंदा हारा बट स्टिल इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर है जैसे कि देखो मोपा केडी आपको विकी सेक्शन में मिलेगा कैप्टेंसी करेगा कुछ खास है नहीं एवरेज सोलह का है दो सौ छब्बीस रन पंद्रह मैच पंद्रह इनिंग्स में बट मुझे लगता है आप आराम से ड्रॉप कर सकते हो स्पेशली देखोगे जो वोमेन्स मैचेस है ना एक तो यहाँ पे विकेट ज़्यादा गिरते हैं एंड मेरा मानना है कि आप मिनिमम से मिनिमम जो है गए बैट्समैन लो एंड ये बहुत कुछ खास फर्स्ट मैच में किया भी नहीं था आप चाहो तो ले सकते हो वीकी सेक्शन में सबसे सेफ चॉइस है बिकॉज कैप्टेंसी है करेगा तो ड्रॉप तो ये होंगे नहीं टीम से मोस्ट प्रोबेबली नाइन्टी नाइन परसेंट चांसेस खेलने का तो सेफ है बट आप आराम से ड्रॉप कर सकते हो बिकॉज इनका बैटिंग से परफॉर्मेंस केवल सोलह का एवरेज भी बीमा दीमा मेरा मानना है कि नहीं लेना है आपको एफ समानिया का आई थिंक आपको लेना है बिकॉज ये फर्स्ट मैच में बॉलिंग डाल रहे थे गाइस लास्ट ओवर डाला था जब मैच खत्म हुआ था एंड इनका इंटरनेशनल में पंद्रह मैच में ना चौदह इनिंग्स में दो सौ एक रन सत्रह का एवरेज है इनसे हल्का बेटर है बट तरह ओवर में तीन विकेट भी है तो आपको बॉलिंग भी करते हुए दिखेगा एंड आपको सबसे बड़ा बात है बैटिंग सेक्शन से तीन प्लेयर तो लेना है तो उसमें से एक एफ समानिया का को जरूर आप ले सकते हो ठीक है टीम ओडीसी अगर खेलेगा तो आई थिंक तभी भी आप रोटेट और ड्रॉप कर सकते हो दस मैच दस इनिंग्स में नाइन्टी फाइव रन टॉप ऑर्डर में खेलेंगे अगर खेलते हैं तो जे कंगंग मत लेना यहाँ पे कुछ प्लेयर्स है जिन्होंने खेला भी नहीं था एंड ज्यादा रिकॉर्ड भी इनका अवेलेबल है नहीं अब देखो मोसीयू हाँ मोसीयू एक इंपॉर्टेंट पिक है क्यों इनका ना जो सीजन था मतलब डोमेस्टिक सीजन हुआ था ना मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था उसमें इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर था मैं आपको इस बार भी बता दूंगा थोड़ा वेट करना सबसे बेहतर बैट्समैन में से एक थे एसमोसिव नौ मैच नौ आठ इनिंग्स में सिक्सटी सेवन रन सोलह ओवर नौ मैच में सोलह ओवर इंटरनेशनल में पांच विकेट है तो ये बॉलिंग कराता है फर्स्ट मैच में क्या नहीं था आप भूल जाना फर्स्ट मैच का बात अब यह सेकेंड मैच होगा यहाँ पे अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है तो जरूर से बॉलिंग कराएगा ये एक प्योर ऑलराउंडर है जो आपको एज अ ओपनर भी खेलते हुए दिखे थे फर्स्ट मैच में ठीक है एम मैं आपको डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी बताऊंगा इनका ठीक है आप पूरा वीडियो अंदर देखना सिर्फ और हाँ पसंद आया तो लाइक कर देना चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना आप टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन हो जाना बी एमपीडी राइट हैंडेड बैट्समैन एंड राइट मीडियम कराएगा इस टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर क्यों तेरा मैच आठ इनिंग्स में केवल बैटिंग मिला बट दो रन बना चुके हैं छब्बीस ओवर में ना सोलह विकेट है सबसे इंपॉर्टेंट बात है तेरह मैच में छब्बीस ओवर डाला ओवर ज़्यादा नहीं डाला बट स्टिल सोलह विकेट है एंड फर्स्ट मैच में ना इन्होंने दो ओवर में ना एक मेडन डाले थे एक स्ट्रॉग टीम के अगेंस्ट जिनका खिलाफ इनका बैटिंग मतलब क्लाब्स हो गया था उनके अगेंस्ट ये कम रन चेस डिफेंड करते हुए भी एक मेडेंट डाला ये प्रूफ देता है कि ये अच्छे खासे बॉलिंग करा लेंगे बी फ्री मैन और गैस एवरेज परफॉर्मेंस पांच मैच पांच इनिंग्स में सत्ताईस रन है चौदह ओवर है पांच मैच में चौदह ओवर है मतलब ओवर कराता है है, तीन, तीन है। पांच मैच में चौदह मतलब पार मैच में तीन ओवर तीन विकेट भी है तो आपके लिए एक अच्छे खासे डिफेंशियल पिक होंगे लेग स्पिन बॉलिंग कराता है ऐसा नहीं है कि आपको रखना ही पड़ेगा बट हाँ आप रख सकते हो अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है तो मेरा मानना है कि इनसे ज़्यादातर बॉलर चॉइस कर लेना आप अगर बैटिंग फर्स्ट होता है तो थोड़ा मुझे इनका हालत ख़राब लग रहा है फिर से अगर बैटिंग फर्स्ट होता है अगर चेजिंग करता है तो शायद चेस कर ले गेटले बहुत अच्छा बॉलर है गाइस एंड खास करके इनका डोमेस्टिक में ना लीडिंग विकेटे का था मैं आऊँगा उस पार्ट में फिलहाल पाँच मैच नौ इनिंग्स इक्कीस रन है तेरह ओवर में एक विकेट है इनका इंटरनेशनल में कुछ खास किया नहीं बट फर्स्ट मैच जो था वहाँ पे ये कमाल का खेला था ये जो लास्ट मैच है ना, इनका वो छोड़ के इनका रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं पास्ट के रिकॉर्ड्स इंटरनेशनल में पास्ट के रिकॉर्ड्स क्या क्या थे इनके टी शायद इंटरनेशनल में आठ मैच में छब्बीस ओवर छः विकेट इनका जो ओ, सीजन था ना हेड टू हेड सीज़न मैं आपको बता रहा हूँ सात मैच का सीजन था उसमें ये ना इस टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर थे आऊंगा उस पॉइंट में पी मोधीमो चार मैच में छः ओवर डाल दो तीन विकेट ओकेत सिंह पाँच मैच में दस ओवर में दो विकेट है पाँच मैच में दस ओवर मतलब पार मैच में दो ओवर के करीब दोनों राइटर मीडियम राइट मीडियम है यहाँ पे एक प्लेयर है जिनका डोमेस्टिक में छः मैच तीन इनिंग्स में बीस रन मत लेना ठीक है अब आता हूँ मैं लास्ट के मैच जो हुआ था मैं पास्ट रिकॉर्ड में आऊंगा बाद में थोड़ा आप वेट करो बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो होगा एंड बहुत इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है बोत्सवा ने बोत्सवाना उनतीस रन बनाए थे देखो ये बहुत कम रन होता है इसको चेस करते हुए ना ओपोनेंट ने दो विकेट लॉस किया था एक रनआउट था और एक विकेट किसको मिला था एक विकेट यहाँ पे दो आठे ए मुखी गेतले जिन्होंने थ्री डाउन बैटिंग भी किया था जीरो किया था कुछ बारह तेरह बॉल में जीरो किया था बट थ्री डाउन बैटिंग तो किया था इनका काम है बॉलिंग करना इन, कमाल का बॉलिंग था इनका ए, एफ सामानिया का जो मैंने आपको बताया दो बॉल डाले थे पांच रन मैच खत्म एस मोस्यू ने एक रन बनाया था मोपेंडी ने एक फ्रीमैन ने एक अब यहाँ पे देखो फ्रीमैन बॉलिंग कर सकता है मोसी मोसि एक प्योर ऑलराउंडर है मैं आपको इनका पास रिकॉर्ड सॉरी डोमेस्टिक रिकॉर्ड जो आ, एक ही एक मही में, लास्ट महीने में ही हुआ था इनका सीरीज हुआ था डोमेस्टिक में उसमें क्या कुछ था एक्चुअली डोमेस्टिक में वो सीरीज़ नहीं था इनका जो इंट्रा प्रैक्टिस मैचेस होते हैं ना कुछ कोई टीम अगर कोई कहाँ पर जहाँ बाहर में जाकर अगर खेलता है उसका कुछ प्रैक्टिस मैचेस होते हैं खासकर के प्रैक्टिस मैचेस से आपको और जो मैनेजमेंट होता है वो टीम चूज़ करता है तो वो मैचेस में ना मोसियो ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था मैं आऊंगा उस पार्ट में द्व्यूति शिलो कुछ खास है बी एम पी डी रन बनाया था बहुत नीचे खेला था ये नीचे ही खेलते हैं हमेशा बट दो मैच में दो ओवर ने एक मेडन डाले थे छः रन जीरो एक स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट तो मेरा मानना है कि आपको लेके चलना है इनको मोदी मामे अब मेरा नहीं मानना है लेना है इनको भी मत लेना शायद्रेक ने एक ओवर डाला था पहला ओवर एंड इनका पिटाई हुआ था मतलब ये हिंस है आपके लिए कि ये बॉलिंग कराएगा पहला ओवर में पिटाई हुआ था हर मैच में ना पहला ओवर में बारह रन खाएगा नहीं एंड इस वाइट नोस थे फर्स्ट ओवर में तो बहुत दिन बाद क्रिकेट मतलब बहुत दिन तो नहीं बट हाँ बहुत दिन बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का प्रेशर में नो वाइड नो हो सकता है पहला ओवर में तो केनिया ओमैन के पास आता हूँ मैं इनसे ना एस जुमा जो आपको विकी सेक्शन में मिलेगा इन विकी कराएगा अब देखो कितना कितना इम्पोटेंट प्लेयर है एक विकेट कीपर को आपको रखना उमेंस क्रिकेट में खास करके अगर डोमिनेट करते करने वाली टीम से रखते हो तो एक बेनिफिट होता है कि वो स्टाम्पिंग वगैरह के चांसेस ना बहुत ज्यादा बन जाते हैं ग्यारह मैच ग्यारह इनिंग्स में ना वन रन है सोलह का एवरेज है ऑलमोस्ट सेम है जो लोकी गाथ जो भी है उनसे पट हाँ इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड जबरदस्त है मैं आऊँगा उस पार्ट में और अचानको फिलहाल मेरे पास है नहीं अगर होते तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम पर भी अबूगा ने ना आठ मैच खेले छः इनिंग्स में अड़सठ रन बनाया मैं बैटिंग ऑर्डर आपको दिखाऊंगा बाद में रुकना आ, एम आ, धाम भी नहीं क्या राइट हैंडर बैट्समैन राइट एम मीडियम पांच मैच में तीन इनिंग्स में केवल दो रन तीन ओवर में ना विकेट मिला नहीं देखो पांच मैच में तीन ओवर मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तो ये हर मैच में ओवर डालेगा पर मैच में एक ओवर से भी कम रेटिंग है जहां पे चार ओवर डाल सकते हो तो मतलब आपको अनएक्सपेक्टेडली बॉलिंग कराने से अलग बात अदरवाइज करना नहीं चाहिए मोगोसू राइट हैंडर बैट्समैन राइट एम ऑफ स्पिन डेब्यू करने वाले जियोटिनो एक मैच एक इनिंग्स में दो रन बनाया मतलब नहीं बनता इनको भी मतलब नहीं बनता एम इधाम्बो गाइस एम नगोची इंपॉर्टेंट पिक है एस पर जनता तो यह भयंकर इंपॉर्टेंट है बिकॉज जनता ने कुछ नाइन्टी वन नाइन टू परसेंट से सिलेक्शन करके रखा है इनको बट अगर रिकॉर्ड देखोगे आठ मैच में सात इनिंग्स वन रन है ऐसा नहीं है कि बहुत हाई रन है वन रन है इक्कीस एवरेज चौदह ओवर तीन विकेट देखो आठ मैच में ना चौदह ओवर मतलब पहला बार खटकेगा आपको मन में मतलब इन्होंने बहुत कम ओवर डाले बिकॉज ये बहुत ज्यादा ओवर डाल सकते बट इनका जो लास्ट इनके इस टीम के अगेंस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड था ना मैं वो भी आपको डिस्क्लोज करूंगा तो उसके लिए आप वेट करना जनता का सिलेक्शन इनके साथ बहुत हाई है एंड आप यहाँ पे ट्रिक खेल सकते हो एस वी टो टू आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेंगे पांच मैच में छः ओवर डाल के एक ही विकेट है दो इनिंग्स में ना तीस रन है मतलब आपके लिए ना एक मतलब हो सकता है अगर बॉलिंग डाले तो अच्छा चॉइस अदरवाइज बॉलिंग ना भी डाल सकता है बिकॉज पांच मैच में केवल छह ही ओवर है इनका क्यू एब एल जिनता जनता का सिलेक्शन इनके साथ उतना ज्यादा नहीं है जिंदा नगोची के साथ है बट सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम के लिए ना है दोनों टीम मिला के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे मोस्ट वली ओपन करने वाले आठ मैच सात इनिंग्स में, में पचहत्तर रन रन ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई है बट स्टिल सत्ताईस ओवर में इनका गैस बारह विकेट है क्यू एब का तो क्यू एब गैस आपके लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में से एक होने वाला एंड गैस मेरा मानना है पर्सनली कि आप क्यू को आप अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो दस में से आप, आप कुछ अगर ग्यारह टीम सॉरी ग्यारह टीम के साथ आप अगर क्या ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो उसमें आपको एटलीस्ट पाँच से छः टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन रखना है बिकॉज ये आपको ओपन करते हुए दिख सकता है ऐसा नहीं कि करेंगे अगर नहीं भी करते तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग जरूर से करने वाले यू वाचीरा नौ मैच सात इनिंग्स में चौदह रन है एवरेज का इस कुछ सत्रह ओवर और मैं गाइस विकेट है पाँच मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा क्यू एब का रिसेंट स्कोर में ना इनका एक मैच में तेईस रन था विकेटलेस फिर ये लास्ट के अगर आप पांच मैच आप इनको दिखा देख लेते हो तो उसमें से इनका जीरो एक विकेट फिर गैस एक विकेट फिर तीन विकेट फिर दो विकेट क्यू एब का ठीक है और ये पाँचों मैच ना इसी टीम के अगेंस्ट मतलब बोत्सवाना के अगेंस्ट था तो ये अच्छा खेला है ऑलरेडी बोत्सवाना के अगेंस्ट बैटिंग से कुछ परफॉर्मेंस नहीं है इनका लास्ट मैच में जब जीरो विकेट गया था वहाँ पे इन्होंने तेईस रन बनाया था बट स्टिल आ, मेरा मानना है कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड गैस आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीक है आप ड्रॉप तो मती करो एंड कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो गैस अपने ज़्यादातर टीम में ठीक है और अगर आप एम नगोची के बारे में देखते हो गैस तो इनका लास्ट के गैस पाँच मैच में गैस इन्होंने चार मैच में विकेट लेस थी गैस चार मैच में मतलब चार मैच में सॉरी पाँचों मैच में ये विकेट लेस था कौन एम नगोची ठीक है इनका बारे में मैं बता रहा हूँ लास्ट पाँच मैच खेला जो इन्होंने गैस उसमें से फाइव टाइम्स ये विकेट लेस थे एक बार केवल बॉलिंग डाला चार बार तो बॉलिंग ही नहीं डाला एक मैच जो इन्होंने सेवेंटी थ्री रन बना के बनाया बाकी मैचेस में ये टू डिजिट टच नहीं किया अब देखो ये सेवेंटी थ्री रन ना इनका जो ये वन फोर्टी नाइन रन है यहाँ से अगर माइनस कर दे हो तो इनका कुछ बचता नहीं है एंड ये सेवेंटी थ्री रन था एक वीक ओपोनेंट के अगेंस्ट जहाँ जहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा रन बना था अब ये जो टीम होगा ओपोनेंट में वो इतना ज़्यादा वीक होगा नहीं तो आई थिंक आप जो एम नगोचिए इनको जीएल खेल रहे हो स्मॉल लीग में भी इवेन मैं तो नहीं लेने वाला आप अगर सेफ जाना चाहते हो तो ले सकते हो अदरवाइज आप भी रोटेट कर सकते हो ठीक है यू वाची राइट एंडर बैट्समैन राइट एंड मीडियम नौ में सात इनिंग्स में चौदह रन है सत्रह ओवर डालते हुए पांच विकेट है इनका एवरेज परफॉर्मेंस है बट स्टिल नौ मैच में सत्रह ओवर मतलब आपको दो ओवर पर मैच में मतलब बॉलिंग करा सकता है ओपोनेंट वी है जो भी प्लेयर बॉलिंग डालेगा ना विकेट जरूर निकालेगा अगर चार ओवर डाल रहा है तो जरूर विकेट निकालेगा अबू का मेरे पास फिलहाल है नहीं डी एन जोगो जोगो सॉरी जोरोज ग्यारह मैच में बीस ओवर है आठ विकेट है तो मेरा मानना है कि पसंद नहीं आप इनको जरूर जरूर अपनी टीम में रख सकते हो ई वैथवा का पाँच मैच में अठारह ओवर है पाँच विकेट है मतलब देखो पाँच मैच में अठारह मतलब पाँच मैच में तीन ओवर के करीब बट विकेट बहुत खास बहुत ज़्यादा नहीं है बट स्टिल पाँच मैच में पाँच विकेट मतलब ई वैथवा का को ना आप जरूर से अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो बिकॉज पाँच मैच में अठारह ओवर एक बॉलर टी ट्वेंटी में पांच मैच में मैक्सिमम बीस ओवर डाल सकता है उसमें से इन्होंने गाइस कितना ओवर डाला उसमें से इन्होंने अठारह अच्छा ओवर डाला मतलब टीम इनको एज अ मेन बॉलर के रूप से देखते हैं और गाइस अच्छा खासा विकेट टिकट है एक जो लास्ट मैच था अगेंस्ट बोधसुआना वहाँ पर इन्होंने तीन विकेट निकाला था ठीक है लास्ट जो मैच था अगेंस्ट बोधसोाना इन्होंने तीन विकेट निकाला था तो मेरा मानना है कि आप इनको अपनी टीम में जरूर रख सकते हो बॉलिंग सेक्शन से ठीक है एफ ओधिमाबो मैच में गाइस पाँच ओवर डालते हैं चार विकेट है उसमें से एक ही मैच में इनका भी तीन विकेट था मतलब ये जब डेथ में करा लेते हैं ना कभी कभार बॉलर तो विकेट ज़्यादा मिल जाता है तो अगर बॉलिंग कराएगा इन दोनों से तो आप जो जो भी बॉलिंग कराएगा विकेट तो जरूर लेगा बट चांसेस ज़्यादा है हम लोग गाइस हम लोग ले सकते, ऐसे सकते हैं ऐसे प्लेयर्स को जो इम्पैक्ट ज़्यादा डाल सकता है मेरा मानना है कि वैथ हुआ का ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है और एल इदाम्बो को ट्राई कर सकते हो जिन्होंने सात मैच में उन्नीस ओवर मतलब ऑलमोस्ट तीन ओवर इक्कीस ओवर हो जाने से तीन ओवर होता बट विकेट बहुत कम है स्टिल आप इन दोनों को ट्राई कर सकते हो मेरा फर्स्ट चॉइस होगा ऑब्वियसली वैथुआ का फिर होगा एदाम्बो बिकॉज इनका ओवर ज़्यादा है इनका ओवर ज्यादा यानी ये इम्पैक्ट ज़्यादा डाल सकते हैं मैच में बैटिंग ऑर्डर इनसे क्या होगा देखिए एम नगोचे जो एक टाइम में ओपनिंग करता था एंड फिलहाल इस दौरा में शायद कैप्टनसी भी करेगा तो ये ओपन आ सकता है खुद और भी अबूगा भी ओपन कर सकते हैं ठीक है क्यू एबल को आई थिंक ओपनिंग भेजना चाहिए टीम को एस जुमा मोस्ट प्रोबली वन डाउन खेलेगा देखो ये चारों ना टॉप ऑर्डर में खेलता है मतलब ये चारों आपको ओपनिंग भी एक आधा मैच में करते हुए दिखेगा इवन इस सीरीज में भी दिखेगा बट फर्स्ट मैच में आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आपको क्यू एब के साथ अबूगा ओपन करते हुए दिख सकता है और इवन नगोची एंड एस जुमा शायद वन डाउन आए डी नजो ओरोगे जो भी नाम है इनका फिर इन दोनों से जो ओपन नहीं करेगा वो मिडल ऑर्डर खेल लेगा फिर जे ओटिनो यूआइथ का एस वेट यूवाचीरा एलिदाम्बो एंड एफ ओधियांबो इनका होने वाला है प्लेइंग इलेवन नो no डाउट प्लेइंग इलेवन आ जाएगा बट स्टिल आपको अगर गाइस सेफ प्लेयर्स आपको मैं बता देना चाहूँगा जो मिस नहीं होगा वो होगा एम नगोची मिस नहीं होने वाला है आपके लिए भी अब होगा जरूर खेलेंगे खेलेंगे क्यू एबल खेलेंगे एस जुमा ये चार पक्का खेलने वाला है पाँचवा प्लेयर होगा इस टीम का एन जोरोगे ये गाइस जो पाँच प्लेयर है आप इनको ले सकते हो इनको ड्रॉप टीम नहीं करेगा और रोटेट भी नहीं करेगा उसके बाद एस वी एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है कि जिनको टीम रखेगा जरूर से और ई वाई थ का तो ये सात प्लेयर में से आप अगर लोगे तो प्लेयर मिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे तो लास्ट एटेट जो हुआ था ना वो सात मैच का सीरीज था चार एक केनिया विन किया के, मैंने आपको बताया इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाया था कौन हारने वाली टीम से एफ समाई का केबल पचासी रन देखो सात मैच का सीरीज उसमें से ना दो तो वॉश आउट हो गया था पांच मैच में ना एफ समयिका ने पचासी बनाया था मतलब पार मैच में सत्रह रन अब देखो एक बॉलर अगर एक विकेट लेता है और आप एफ समायिका को ड्रॉप करते हो ड्रॉप मत करना एफ समायिका को और बैटिंग सेक्शन से स्टिल अगर आप इनको ड्रॉप करते हो तो क्या होता है एक बॉलर ने एक विकेट लेना है मतलब पच्चीस पॉइंट देगा वो आपको श्योरली गएस आपको कुछ ओ, इधर उधर से गएस वो जो होते हैं ना इकोनॉमी और एल बी डब्ल्यू वगैरह के मिला के अगर आप देखते हो थर्टी पॉइंट्स दे देते हैं तो एक बैट्समैन को ना यहाँ से पच्चीस रन एटलीस्ट बनाना पड़ेगा वो अगर बाउंड्री मारते हैं यहाँ पे जो ओमेंस मैचेस होते हैं वहाँ पर इतना लो स्ट्राइक रेट से बैटिंग होता है तो वहाँ पर अगर थर्टी पॉइंट्स किसी बैट्समैन को देना है उनको एटलीस्ट मुझे मेरे हिसाब से थर्टी टू से 25 से 32 रन उनको बनाना ही पड़ेगा अब देखो 25 से 32 रन बहुत होता है अगर 25 से 32 रन दो भी बैट्समैन बना लिया तो टीम 100 पार कर जाएगा जो मुझे नहीं लगता होने वाला है तो इस लॉजिक से मेरा मानना है कि मैक्सिमम बॉलर को ट्राई करना एंड कोई भी रिस्क की मतलब जो बॉलर चार ओवर डाल सकता है तीन ओवर डाल सकता है हमें लगता है उनको ड्रॉप और रोटेट करने का सोचना भी मत टीम ओडीसी ने इस सीरीज में सतहत्तर रन बनाया था सेकेंड हाएस्ट रन इनके लिए मतलब बोत्सवाना के लिए एंड पूरे टूर्नामेंट में थर्ड हाइस्ट रन गेटर मोपा ने फोर्टी नाइन रन बनाया ठीक है ये शायद मैंने गलत लिख रहा हूं मोपा गेडी तो बॉली बॉलर है तो टी शैद्रिक ने पे सत्रह ओवर में गई पंद्रह विकेट सॉरी मोपा केडी ने ये 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 होगा ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ मोस्टली मैंने नाम नहीं सही लिखा एल मोपा केडी ये विकी जो है ना इन्होंने इस, इस टीम के लिए थर्ड हाइस्ट रन गेटर है देखो आपको ये लग रहा है कि थर्ड हाएस्ट रन गेटर है बहुत बढ़िया बात है बट इन्होंने फोर्टी नाइन रन ही बनाया था पाँच मैच में मतलब दस का एवरेज है तो देखो दस का एवरेज से ना आप किसी को भी ड्रॉप कर सकते हो ऐसा मेरा मानना है शैद्रेक हाइस्ट विकेट टेकर था इस टीम के लिए सत्रह ओवर में पाँच विकेट निकाला था एमपीडी ने बॉलिंग बहुत कम किया था फोर पॉइंट थ्री बट दो विकेट बट इस सीजन में मुझे लगता है हर मैच में अगर टीम देगा तो चार ओवर तो जरूर कंप्लीट कराएगा एमपीडी तो और भी विकेट मिलेंगे यहाँ से एस जुमा ने हाइस्ट रन बनाया था अस्सी रन बनाया था क्यू एबल ने फोर्टी वन रन बनाया था अठारह ओवर सात विकेट देखो क्यू एबल कितना इंपॉर्टेंट फोर्टी uh, रन अठारह ओवर डाले थे पाँच मैच में एंड सत्रह सात विकेट निकाला था तो ऑब्वियस सब आते कैप्टन वाइस कैप्टन पिक हो जाते अबूगा ने चौतीस बनाया था एनजोर्गे बीस बनाए थे बारह ओवर छः विकेट है एफ ओधियामो तीन मैच में पाँच ओवर चार विकेट देखो बहुत ही कम मैच बहुत ही कम ओवर है ठीक है मतलब कभी भी बॉलिंग करा सकता है अगर कराएगा तो विकेट लेगा अगर नहीं कराएगा तो कंप्लीट वेस्टेज यू वाथ्य का मैं मानना मानता हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दो मैच में ना छः ओवर कंप्लीट करा दिया था मतलब टीम इनको एज अ मेन बॉलर मानते हैं अगर बॉलिंग खेलेगा तो बॉलिंग कराएगा चार विकेट निकाला था तो शैदरेक का यहाँ पे था पाँच विकेट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा ये सीरीज विन किया था कितना में फोर वन तो इनका ना और भी बैट्समैन को ना ज्यादा रन करना था जो किया नहीं इसका क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो टीम है इनका भी बैटिंग बहुत वीक है अगर बैटिंग फर्स्ट होता है ये भी ऑल आउट होने वाला है अगर बैटिंग सेकंड होता है तो बात अलग और इवन इनका पास भी बैट्समैन बहुत वीक है तो ओपोनेंट के जो मेन बॉलर्स है लाइक शायद रेक एम और फर्स्ट मैच में विकेट टेकर जो था वो इनको आप ड्रॉप और रोटेट मत करना ऐसा मेरा मानना है कैप्टन चॉइजेस क्यू एबल होंगे सबसे सेफ चॉइस होगा बेस्ट पिक है जनता का भी चॉइस है एंड आप भी बना सकते हो जनता का चॉइस नहीं है बट आप जरूर बना सकते हो मेरा फिफ्टी परसेंट टीम में कैप्टन होंगे की एक अच्छी चॉइस है विकेट टेकर ऑप्शन है एंड गैस यहाँ पे विकेट भी निकाला था छः विकेट लास्ट सीजन में एम बहुत अच्छे पंथ हैं मेरा मानना है कि जो ओपोनेंट है मतलब बोत्सवाना उसका बेस्ट प्लेयर है एम पे डी एस मोसियो इन्फॉर्म है अब देखो एस मोसेयो क्यों इन्फॉर्म है मैं आपको बता रहा हूँ मैंने इस वीडियो में मिस कर दिया लिखना डाटा तो मैं चलो अपना ही पुराना एक मैंने स्टैट लिख के रखा था उस सीरीज़ में हम लोग जाते हैं ये रहा वो सीरीज़ जो बोत्सवाना उमैन छः मैच का प्रैक्टिस प्राक्ट, सीरीज़ खेला था बीस ओवर करके छः मैच का प्रैक्टिस सीरीज उसमें मोसेयो ने छः मैच छः इनिंग्स में एक सौ छत्तीस रन छः विकेट बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ये क्या था ये गैस जो मतलब डोमेस्टिक में था ना वो सीरीज़ था उस सीरीज़ में नो डाउट मोसीू ने बहुत अच्छा किया था एंड सभी बड़े प्लेयर्स भी खेले थे तो हम लोग का मानना है कि आप इनको ना जरूर ट्राई कर सकते हो एस मोसियो को जरूर रख सकते हो छः विकेट है मतलब इस बार भी बॉलिंग कराएगा फर्स्ट मैच में नहीं किया तो इसका मतलब नहीं है कि वो नहीं कराएंगे इस मैच में टीम ऑडेसी अगर खेलेगा तो गैस आप ट्राई कर सकते हो बॉलिंग भी करा लिया था इस सीरीज़ में एक रन है इंटरनेशनल में ज़्यादा बॉलिंग है नहीं रन है बट इस बार ना इन्होंने बॉलिंग भी किया था डोमेस्टिक में टीम ओडेसी हाँ समायका ने पांच विकेट निकाला था 84 रन बनाया था चार इनिंग्स में इन्होंने 84 रन बना लिया था मोफी कैडी ने गाइस 57 बहुत कम रन और बी एम ने भी ज्यादा कुछ किया नहीं बैटिंग के साथ बट एम एक प्योर क्लास प्लेयर है तो मेरा मानना है कि उनको ले लेना एंड जो हाइस्ट विकेट टेकर था वो कौन था मोखी मोक की, मो की गेथले छः मैच में नौ विकेट था और शहद्रेक ना उस जो करेंट ये छे मैच का सीरीज था ना इसमें शहद्रेक विकेट लेस गया था गए सत्रह अठारह ओवर डालते हुए ठीक है तो मैं चलता हूँ ड्रीम इलेवन टीम में उसका आगे आप वीडियो पॉज करके प्लीज़ यार लाइक कर देना चैनल नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर लो एंड टेलीग्राम ज्वाइन हो जाओ आफ्टर टॉस अपडेट्स के लिए फिलहाल मेरा कैप्टन होंगे क्यू एबल मेरे टीम का वाइस कैप्टन कौन है डी एन जोरगे देखो अब मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा ये सेफ है अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है तो आप मोपे गोयटले को साथ जा सकते हो बिकॉज ये आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हुए देखेगा बट अगर बॉलिंग फर्स्ट नहीं होता है तो क्या कर सकते हो गैस तो इनका बॉलिंग फर्स्ट होता है तो एन के साथ जरूर जाना मेरा मानना है कि ज़बरदस्त चॉइस होंगे यूवाथ का एक अच्छे चॉइस होने वाले वालेगा इस आपके लिए मेरा मानना है कि आप इनको ले लेना टी शैद्रेक को मैंने ट्राई किया देखो यूवैथुआ का इस टीम के लिए ना आप दो मैच में छः ओवर डाला था लास्ट सीजन में विकेट निकाला था तो ये लॉजिक से ना आप इनको रख सकते हो अगर नहीं खेलता है तो हम लोग रोटेट करेंगे ड्रॉप करेंगे एम पेडी को मैंने ट्राई किया एस मोसीयू को मैंने रख लिया देखो जनता नहीं जा रहा है एम एस मोसीयू के साथ किसके साथ जा रहा है मैं आपको दिखाऊंगा फ्री मैन को मैंने अपने टीम में रखा शमाका वी अबूगा एस जुमा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन है कि रोटेट करने का बट आप अगर सेफ जाना चाहते हो तो नगोची के साथ जा सकते हो तो नगोची जनता का सिलेक्शन है नगोचे के साथ मार्गरेट नगोचे एक अच्छे प्लेयर भी है बट हाँ अगर गाइस बॉलिंग नहीं किया जो इनका जिनका गाइस लास्ट के कुछ मैचेस अगर देख लेते हो आप लास्ट के पाँच मैच में केवल एक बार लास्ट चार मैच में तो बॉलिंग नहीं डाला एंड पाँचवा मैच में इन्होंने बॉलिंग डाला विकेट लेस्ट थे तो इनके जगह मैंने एस मोसीू को ट्राई किया जिनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड मुझे अच्छा लगा प्रैक्टिस मैचेस के रिकॉर्ड अच्छे प्लेयर भी लगे तो आप इनको ले सकते हो और सेफ जाने के लिए उनको ले सकते हो तो ये आपकी चॉइस है मैं इनके साथ जाऊंगा एस मोसीू के साथ जाऊंगा एंड मेरा मानना है कि ये मैच नो डाउट इनको जीतना चाहिए बट स्टिल ये लोग अच्छा फाइट देगा बिकॉज एक मैच का एक्सपीरियंस हो चुका है बिकॉज ये पीच भी थोड़ा बहुत ज़्यादा विकेट गिरने वाले लाइक पीच है एक बात दूसरा बात है अगर ये टीम अगर चेजिंग करता है ना मुझे लगता है कि टीम जीत भी सकता है आफ्टर टॉस अपडेट टेलीग्राम पे मिलेगा टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू गैस बाय